लाओ बेटा तुम्हारा पैर दिखाओ। मेरी मम्मी आपको पसंद करती है क्या? एडम तो देखने में बहुत खूबसूरत है और मेरी उम्र की भी लग रही है। अरे वाह शिवम, तेरी तो आज किस्मत ही खुल गई, इतनी खूबसूरत लड़की। इसका मतलब इसके पैर में कोई चोट नहीं लगी। और डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे पोते को जो पैर में इतना दर्द कर रहा है उसे? वो क्या है ना, इसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है। आपको मैं एक इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, आप जल्दी से वो इंजेक्शन ले आइए। अगर वो इंजेक्शन हमें टाइम पे नहीं मिला तो हमें इसका पैर काटना पड़ सकता है। अरे डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, मैं अपने पोते के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, आप दवाई तो बताइए, मैं जाके ले आता हूँ। ये लीजिए, जल्दी लेके आइए। ठीक है सर। मैडम आप सच बोल रहे हो, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ मुझे आप बहुत पसंद है और मेरा बेटा बिल्कुल सच बोल रहा है। अरे वाह, मैं आपको पसंद हूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे मैडम मुझे तो आप जानते नहीं हो। हाँ आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, पिछले 4-5 दिन पहले मैंने आपको मार्केट में देखा था और मुझे ना आप पसंद आ गए थे उसी टाइम। क्या, मार्केट में देखा था? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी किस्मत तो खुल गई। देखिए मैडम, हम लोग है ना ऐसे क्लिनिक में नहीं मिल सकते, हमें ना किसी प्राइवेट स्पेस में मिलते हैं, आज शाम को लुलु होटल कमरा नंबर 302 में, आप वहाँ पे आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी ना मेरे ससुर जी अभी चले जाएंगे तो मैं आराम से शाम को मिलती हूँ आपसे। अरे डॉक्टर साहब अब तो उतार दीजिए अपना ये कोट, वैसे भी आपका क्लिनिक नहीं है ये। हाँ अभी उतार। अरे लगता है खाने वाला आ गया, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। खाने वाला नहीं बहू, तेरा ससुर द गोपाल वर्मा फौजी आ गया है, समझी? ससुर जी आप यहाँ कैसे? अरे मेरी छोर, तू अपनी बता कि तू इस डॉक्टर के साथ लुल्लू होटल में क्या खेल खेल रही है बहू? वो ससुर जी मेरे ना पेट में ना अचानक से बहुत दर्द होने लग गया था तो मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई थी। अरे चुप, कितना झूठ बोलेगी? हाँ झूठ पे झूठ, अरे तेरी सच्चाई तो चेतन पहले ही बता चुका है, समझी? चल अब बता तेरे पैर का दर्द कैसा बेटा? अरे दादाजी मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है और ना ही मेरे चोट लगी। जब चोट नहीं लगे थे और दर्द हो ही नहीं रहा था तो तू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास क्यों गया? अरे दादाजी मम्मी मेरे को जबरदस्ती लेके गई थी और मेरे पैर पे ये लिखवाया कि मेरी मम्मी आपको पसंद करती है। अरे कैसी बात करता है, तेरी मम्मी बहुत संस्कारी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है, समझा? दादाजी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप आज शाम को 7 बजे लुल्लू होटल रूम नंबर 302 में जाना, मम्मी आपको वहीं पे मिलेगी। और मैंने मम्मी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। अगर ये बात सच है ना तो एक बात तो जान ले बेटा कि तेरी मम्मी अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी, वो रहेगी अब डॉक्टर के साथ ही। एक काम कर तू बैठ आराम से, मैं जाता हूँ लुल्लू होटल। अरे बहू जरा शर्म तो कर, अरे जरा सोच कि मेरा बेटा देश सेवा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है और तू उसके पीठ पीछे इस डॉक्टर के साथ होटल लुल्लू में डॉक्टर की सेवा कर रही है। अरे तू तो मेरा नाक कटवा दी, अरे समाज में लोग जानेगा तो क्या बोलेगा, अरे फौजी की बहू डॉक्टर से आशिकबाजी में लगी हुई है। ससुर जी और मैं करती भी क्या, आपका बेटा तो बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए चला गया, यहाँ मैं पूरे साल अकेले रहती हूँ, वो साल 2 साल में कहीं एक बार आता है। अरे मेरे बारे में सोचा है, मैं कितना अकेला फील करती होंगी, मुझे डॉक्टर साहब से अट्रैक्शन हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? वाह वाह बहुत अच्छा बहू, इस डॉक्टर के साथ तेरा अट्रैक्शन हो गया ना, अब इसी डॉक्टर के अट्रैक्शन में अपना जीवन बिता देना, समझी? देख मैं अपने बेटे को बता के तेरा तो ये रिश्ता तुड़वाऊंगा, और सुन आज के बाद मेरे घर में पैर मत रखना, नहीं तो पैर मैं ही तोड़ दूंगा, बेटा तो बाद में तोड़ेगा। ससुर जी मेरी बात सुनिए।